दमोह जिले के मड़ियादो गांव में बस स्टैंड पर बने मूत्रालय में एक महिला का प्रसव होने का मामला सामने आया है। कनकपुरा गांव की रहने वाली ये महिला बस से गांव लौट रही थी, तभी बस में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद बस स्टैंड के पास बने मूत्रालय में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद बस स्टैंड पर मौजूद युवाओं की मदद से जच्चा बच्चा दोनों को ऑटो से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, लेकिन वहां कोई स्टाफ और कर्मचारियों के न होने के कारण महिला की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे जननी सेवा की मदद से सिविल अस्पताल हटा भेजा गया। फिलहाल महिला और बच्चे का इलाज यहां जारी है। महिला का नाम द्रौपदी बाई बताया जा रहा है। हमारी बहू हम आई थे सुन ले जाओ नहीं होने सुन देगा स्टैंड पर बच्चा होगा वो मर गया होगा सोसाइटी के नाम। कनकपुरा निवासी महिला जो कि गर्भवती थी वो आती है और मूत्रालय में प्रसादन के लिए उतरती है। बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था, कराहती हुई आवाज़ सुनते हैं हम लोग, सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो देखते हैं कि उसको जो है प्रसव हो चुका था। हम लोगों ने आसपास देखा कोई व्यवस्था नहीं थी, ऑटो करके हम लोग अस्पताल ले गए और देखा अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, एक भी कर्मचारी नहीं था अस्पताल में। हम सभी ने तुरंत 108 जननी एक्सप्रेस को फ़ोन लगाया, जननी एक्सप्रेस आई और महिला को जो है हटा ली गई। एडमिट तो किया गया था लेकिन उसके फाल्स पेन थे, तो सिस्टर ने ऐसा बताया कि वो जो है वापस अपने मन से चली गई या भेज दिए जैसा भी, मैं उसकी जांच करूंगा। और वहाँ मड़ियादो जाके बस स्टैंड पे ऐसा पता लगा है मुझे कि उसकी डिलीवरी हो गई, तो मैं जो है जिसने भेजा है या वो अपने मन से चली गई उसकी जांच करूंगा। अगर हमारे स्टाफ की गलती होगी तो मैं उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु अपने उच्च अधिकारियों को और उच्च अधिकारियों को लिखूंगा और कार्रवाई करूंगा।